नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु बाविशी फ्रॉम बाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट। मैं आज आपसे एक ऐसे अहम विषय पर बात करूंगा जो कि है हमें IVF ट्रीटमेंट में फ्रेश एम्ब्रियोज डलवाने चाहिए या सभी एम्ब्रियोज को फ्रीज करके फिर नेक्स्ट साइकिल में फ्रोजन एम्ब्रियो से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आप सब जानते हैं कि सालों से IVF हो रहा है, सालों से जो एम्ब्रियोज बचते थे, एक्स्ट्रा होते थे, ज़्यादा होते थे, उसे हम फ्रीज करते थे और फिर उन्हें उपयोग में लेते थे। तो फ्रीजिंग का जो टेक्नोलॉजी है या कंसेप्ट है वो कोई नया नहीं है, दैट इज़ ए वेल एस्टैब्लिश, मतलब पूरी तरह से सुस्थापित कंसेप्ट है। मगर नया जो है वो ये है कि भाई हम जब आपका IVF करते हैं तब आपकी ओवरीज मतलब स्त्री बीजधानी को स्टिमुलेट मतलब ज़्यादा बीज बनने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपकी ओवरीज बड़ी होती है, आपके हॉर्मोन्स बढ़े हुए होते हैं, तो ये सिचुएशन में अगर हम गर्भ को वापस डालते हैं तो दो सिचुएशन हो सकती है। एक ये होता है कि ये जो ओवरीज बड़ी होती है वो और भी बड़ी हो सकती है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में ओवेरियन हाइपर स्टिम्युलेशन सिंड्रोम ऐसा कहते हैं, जो कि आइडियली अवॉइड करना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि हम जब ये हार्मोन लेवल्स जो बॉडी में है, जो हमें लगता है कि इम्बैलेंस है, वो बैलेंस हो जाने के बाद में मतलब साहजिक रूप से जो होते हैं कुदरती माहवारी के साइकिल में जो होते हैं वो उसके करीब हो जाने के बाद में अगर हम एम्ब्रियो स्थापित करते हैं तो हो सकता है कि वो वातावरण मिलने के कारण एम्ब्रियोज वहाँ पर ज़्यादा आसानी से टिक सके, चिपक सके और हमें गर्भधारण की संभावनाएं ज़्यादा मिल सके। तो हम बात करते हैं कि सही में हमें किस तरह से सोचना चाहिए और किस तरह से अपना निर्णय लेना चाहिए। तो बात करते हैं कि अगर हम सभी एम्ब्रियोज को गर्भ को फ्रीज कर देते हैं, फ़ायदा ये है कि हॉर्मोन्स नॉर्मल हो जाएंगे, नेक्स्ट साइकिल में जब आपके हॉर्मोन्स नॉर्मल होंगे, गादी तैयार हो जाएगी, तब हम गर्भ स्थापित करेंगे और आपका ओवेरियन हाइपर स्टिम्युलेशन का रिस्क मतलब स्त्रीबीजधानियां बड़ी हो जाने का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और दूसरा, हार्मोन का जो वातावरण शरीर के अंदर होना चाहिए वो आपको नॉर्मल मिलेगा। मगर नुकसान क्या है? एक तो ये है कि सभी गर्भ जो है वो +37 डिग्रीज पर होते हैं, वहाँ से उन्हें थिजाने के लिए, फ्रीज करने के लिए -196 डिग्रीज पर ले जाना पड़ता है, फिर वहाँ से उपयोग में लेने के लिए -196 डिग्री से +37 पर लाना पड़ता है। तो एम्ब्रियोस को, गर्भ को भी एक प्रकार का स्ट्रेस पहुँचता है, एक प्रकार का तनाव महसूस होता है। दूसरी बात, हमारा टाइम जाता है। अगर हम फ्रेश ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जो साइकिल में हमने गर्भ बनाया है उसी साइकिल में अगर हम गर्भ को वापस डाल देते हैं तो उसी सारवार की प्रक्रिया के दौरान हमें उसका परिणाम भी मिल जाता है, समय भी बच जाता है। ठंडे किए हुए गर्भ को, फ्रीज कर दिए हुए गर्भ को फिर से वार्म गर्म करके नॉर्मल करके वापस डालने का खर्च अलग से लगता है और वो समय भी लगता है। तो तीन महत्वपूर्ण नुकसान है। एक, गर्भ को स्ट्रेस लगता है, समय ज़्यादा जाता है और खर्च भी बढ़ता है। तो हमें उसके सामने फ़ायदा क्या होता है? हाइपर स्टिम्युलेशन का रिस्क बचता है और मे बी कुछ केसेस में प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता है। जबकि अगर हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब जो साइकिल में हमने सारवार किया है उसी साइकिल में जो गर्भ बने हैं उसी गर्भ को उसी सारवार दरमियान अगर हम वापस डाल देते हैं तो फ़ायदा ये है कि हमारा समय बच जाता है, गर्भ को फ्रीज करने का स्ट्रेस नहीं लगता, परिणाम भी जल्दी आ जाता है। तो अब जो बचा रिस्क का और रिजल्ट का फ़र्क, तो जो रिस्क का फ़र्क है, पिछले 10 साल में हमने जो रिसर्च किया है उसके आधार पर हमने हमारे खुद क्राइटेरिया बनाए हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करते हुए आज तक हमने हमारे इंस्टीट्यूट में सीरियस ओवेरियन हाइपरस्टिम्युलेशन का केस नहीं देखा। तो एक तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अगर चयन किया जाए तो रिस्क नहीं रहता, और दूसरा, बहुत बड़े मेटा एनालिसिस मतलब दुनिया भर में किए गए रिसर्च के अनुसार अगर आपके बहुत ज़्यादा बीज नहीं बने हो तो फ्रेश ट्रांसफ़र और फ्रोज़न ट्रांसफ़र दोनों के रिज़ल्ट समान होते हैं। तो आप फ्रेश ट्रांसफ़र के जो बाकी के फ़ायदे बनाए उसके बेसिस पर आप फ्रेश ट्रांसफ़र का लाभ भी ले सकते हैं। तो आप फ्रेश ट्रांसफ़र करना चाहिए या फ्रीज ऑल करना चाहिए, उसका निर्णय
अपनी और अपने कंसल्टेंट की कंसल्टेशन में, मतलब एक दूसरे के साथ परामर्श करके आपके लिए सबसे ज़्यादा उचित क्या है उसके आधार पर कीजिए। आंखें बंद करके सभी एम्ब्रियोस को कंपलसरी फ्रीज करके फ्रीज ऑल को फॉलो करना वो एक अच्छा पॉलिसी नहीं है। इंडिविजुअली आपके कंडीशन में आपके लिए बेस्ट क्या है वो देख के करना वही सही है। तो होप आपके समझ में सब कुछ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते, ऑल द बेस्ट।